डॉक्टर विशाल गुप्ता रेवसा सेसी टीम के, क्योंकि अभी घाघरा चहलारी घाट पर त्यागी महाराज आश्रम के निकट एक विशाल बाढ़ के मद्देनजर रखते हुए राजस्व अधिकारी वहां पे उपस्थित थे और रेवसा सेसी की टीम उपस्थित थी डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में, और वहां पर एक मार्कडेल किया गया है बाढ़ के मद्देनजर रखते हुए। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या उसमें इसका क्या तात्पर्य था और क्या क्या बताया गया। हाँ, ये इसका तात्पर्य ये था मॉकड्रिल का कि हम लोग तैयार रहते हैं कि इन केस जब बाढ़ आएगी तो हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। वहाँ नायब तहसीलदार, तहसीलदार साहब सभी लोग उपस्थित थे। उन लोगों ने पहले ग्रामीणों को बताया कि कैसे घाघरा का लेवल बढ़ रहा है, इसमें सब लोग ऊँचे स्थान पर जाएँ। फिर एक व्यक्ति को जो नाव से डूबा है वो हम लोगों के पास आया, उसको हम लोगों ने प्राथमिक उपचार करके ऑक्सीजन दे के और उसके पेट से पानी निकाल के फिर एम्बुलेंस के द्वारा उसको सीएससी रेवसा भेज दिया। लेकिन अभी आपने जैसे जो कहा वहाँ पे एक चर्चा का विषय और सुखबाहट के तौर पर मालूम हुआ कि वहाँ पे एसडीएम, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार वहाँ तो दिखे नहीं, और वहीं पर जो है नायब तहसीलदार विदेश सिंह और काफ़ी लोग राजस्व के कर्मचारी और रेवसा स्वास्थ्य के टीम वहाँ पर दिखी। नहीं, तहसीलदार साहब अभी पहुँचे। अच्छा अच्छा, तहसीलदार साहब के नेतृत्व में ही सारा काम हुआ, क्योंकि सुबह आके उन्होंने हम सबको बता दिया था पूरी टीम गठित करके, उसके बाद में अभी फिर पहुंचे। नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जो सुखवाहट के तौर पे देखा गया। मैं तो अभी वहाँ से मॉकड्रिल होके ही निकला हूँ, तो अभी सारे लोग वहाँ पर इस समय भी उपस्थित हैं। मेडिकल टीम अब वहाँ से काम होने के बाद निकल गई है, लेकिन राजस्व और सारे अधिकारी वहाँ। जैसे एक बात और वहाँ पे आएगी कि अभी ये मॉकड्रिल कई घंटों का होता है, इसके पहले भी तत्कालीन में हुआ है सरकारों में और इसी सरकार में, लेकिन यहाँ पे ना जाते दे लगी न मॉकड्रिल होते दे लगी, एक रस्मदागी के तौर पर लोगों में चर्चा का विषय रहा। ऐसा आदेश मिला हम लोगों को, उस हिसाब से मॉकड्रिल के लिए करना था। टीम हमारी पूरी गई जो प्रॉपर वे में हम लोग कर सकते थे, अपने मेडिकल में जितना हमें करना था वो सारा हम लोगों ने किया। हमारे सारे उसमें आदर्श, हमारे CHO उपस्थित रहे, रामेश्वर जो डार्क रूम असिस्टेंट हैं, अवनीश जो BSW है, और पंकज जी, ये सारे लोगों का। अच्छा, ब्लॉक से कौन कौन अधिकारी उपस्थित रहे? ब्लॉक से कर्मचारी बहुत जानकारी दी। एडीओ पंचायत होंगे, एडीओ पंचायत, अच्छा, एडीओ कम्युनिटी, अच्छा, नायब तहसीलदार साहब, सारे दो या तीन लेखपाल। पुलिस में कौन कौन था? बहुत जानकारी नहीं, पुलिस वाले। अच्छा, थे पुलिस वाले सरोज साहब थे। अच्छा, थानगांव की पुलिस उपस्थित थी, लगभग सभी लोग उपस्थित। सभी लोग। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में प्रेम वाजपेयी के साथ। और इस वक्त मैं यहाँ जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चहलारी घाट के किनारे खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीरें लाइव कवरेज के साथ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ब्लॉक के और जिले के और तहसील प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और वो स्वयं उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो हमेशा की तरह बाढ़ आती है जो तबाही का मंजर लेकर, उससे कैसे बचाव किया जाए और किस तरीके से बचा जाए, उसके लिए यहाँ पे मॉकड्रिल की तैयारियाँ की जा रही हैं और रिहर्सल कराकर लोगों को बताया जा रहा है कि बाढ़ अचानक आने पर कैसे बचा जाए, उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। पूरी तस्वीरें हम दिखाते हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है, पूरी तैयारी की जा रही है और स्वास्थ्य टीम रेवसा की यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर विशाल अपने सभी टीम के साथ स्वास्थ्यकर्मी हैं, यहाँ पे पूरा रिहर्सल कराया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मी टीम। और अचानक उसको लेकर के यहाँ पर मॉकड्रिल के माध्यम से उसको एम्बुलेंस में लिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से नदी में डूबा हुआ, अब यहाँ पे डॉक्टर की टीम उपस्थित है, मेडिकल टीम मरीज को अटेंड करें। तत्काल यहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार जारी। इसके बाद तत्काल फिर एम्बुलेंस में लाने के बाद दूसरा स्टेशन लाए और मरीज को तुरंत एम्बुलेंस तक पहुंचाएं। तुम लोग हंसो नहीं, रो। ठीक है, आगे जाम दो, रास्ता खाली कर दो भाई। चलो एम्बुलेंस के लिए रास्ता। नायब तहसीलदार यहाँ पे विदेश सिंह उपस्थित, लेखपाल समाज उपस्थित,
बंद करो बजा दो इसका सायरन आ रहा है। सायरन बजा दो। सायरन बजा दो। रवाना होते हुए रोसा सक्सेस टीम के लिए रोसा अस्पताल के लिए। सुनो सभी ग्रामवासी ध्यान दें, पानी ग्राम की आबादी में बढ़ सकता है, इसीलिए सभी ग्रामवासी निकटतम ऊंचे स्थान पर चले जाएं। सुनो सुनो सुनो, घाघरा नदी का जलस्तर सामने, सभी ग्रामवासी सामने जाता है, घाघरा नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है, पानी किसी भी समय ग्राम की आबादी में घुस सकता है, इसीलिए सभी ग्रामवासी निकटतम ऊंचे स्थान पर शरण लें। धन्यवाद। दूर टकराए लगे अपने नहीं, 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 नहीं।